नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज स्थानीय श्री शिव मंदिर ब्लॉक 13 श्री झूलेलाल पार्क गोविंदनगर में कानपुर में 58वें भगवान श्री झूलेलाल महोत्सव के समापन के अवसर पर सायंकाल भाई राणा साहिब जी का पूजन बड़े ही विशाल स्तर पर किया गया। पधारे हुए कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रेम प्रकाश आश्रम गुमटी से पधारे संत भोला राम जी ने कहा कि यह उत्सव सनातन संस्कृति और धार्मिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा, परमात्मा पर विश्वास कर ही नहीं सकता। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। झूलेलाल महोत्सव का समापन इस शुभ अवसर पर आप क्या बताना चाहेंगे? आयो लाल सभी छो झूलेलाल जेको चेंदो झूलेलाल तेंजा थींदा बेड़ा पार। आज हमारे इष्ट देवता श्री झूलेलाल महोत्सव का 41वां दिन है। आज हम लोग इसलिए 41 दिन पूरे करते, सब जगह 40 किया था। हम लोग के 40 दिन जो तपस्या थी वो सुख शांति से, हम लोग की बहराने डेली की जोत बहुत सुख शांति, उसकी 40 पूरे होने की खुशी में आज हमारे इष्ट देवता वरुण देवता जल देवता श्री झूलेलाल भगवान का 41वां मना रहे हैं और उसको बड़े ही हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। पूज श्री बहरा साहब की पूजा है, इसके अंदर बहरा साहब के हम लोग खूब खूब धूमधाम से पार्टियाँ आई हुई हैं, अपने अपने सब भजन गाती है, भजन संध्या लगी हुई है। इसको लगभग हम लोग ये सब कार्यक्रम करते थे रात में 1:30 से 2 बज जाता है। उसके बाद ये बैराणा और श्री झूलेलाल की जोत लेकर के हम लोग पांडव नदी जाते हैं वहाँ विसर्जन करने। ये बराबर पिछले जो है 40 दिन के अंदर कम से कम 8 बार हम लोग जा चुके और ये आज 41वां दिन और है। आखिरी के 3 दिन तो जाते हैं, जब 16 जुलाई चालू होता तब करते हैं, बीच में 15 अगस्त पड़ते हैं या बीच में कोई चालिया का चंड पड़ गया तो उसमें हम लोग जाते जरूर बहराना, है ना, बहराना तैयार करके झूला की झूल लाके विसर्जन कर दें, इंजॉय करें अच्छे से, प्रभु को वहाँ मनाने जल देवता के आगे ज्योत विसर्जन कर दें। ठीक उसी प्रकार आज भी जो हम लोग 41वां बहुत ही हर्षोल्लास खुशी के साथ मना रहे हैं। पूरे सिंधी समाज को झूला चालिया महोत्सव की लाख लाख बधाई, ढेर सारी बधाई। पूरा विश्व के अंदर जहाँ भी जो बोले सब सुखी रहे, स्वस्थ रहें, कोरोना से मुक्ति मिले, कोई भी जो वाद विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न है चाहे वो किसी तरह के भी हो, चाहे विश्व युद्ध की बन गया हो, चाहे बड़े बड़े देशों को, सब विवादों से श्री झूलेलाल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छी सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे, सब अपनी मेहनत से करे, कोई किसी का बुरा सोचे, सब मिलजुल करके जितने भी जीव जंतु चाहे मानव सब अपना जीवन यापन करे। आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल।